देबै हम धान तान काटि देबै कचिया हमरा हाथमे धारगर छै। नमस्ते निर्मला जी और काला दीदी। नमस्ते भैया। हाँ अपने के धान तो देख रहा थी बहुत अच्छा नजर आ रहा है जी भैया। हाँ एक मतलब ठीक समय पर अपने सब कुछ कर लिए है ना जी भैया, मैंने रख रखा अच्छी देखभाल भी कर लिए और ठीक समय पर कमठौनी निकौनी भी कर लिए। धान अपने बहुत अगल बगल से देख रहा छे, बहुत अच्छा जी अपने के धान लिख रहा है। ठीक है दीदी, तो हम अपने के रिपोर्ट लिख रहा छे, 4-5 दिन के बाद फिर आए अपने से मिलब। ठीक है, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते रीता दीदी। नमस्ते भैया। ई की कह रहा छे अपने? कमबै छे भैया। लगे छे कि अपने समय पर खेत के कमौनी नहीं कर लिए है ना, जेकर कारण देखे छे खेत में तरह तरह के बीमारी पैदा भए गेले है ना। हाँ भैया, हमरा खेत में रोग लग गेल छे। हाँ हाँ, खेत में देखे छे पीला पड़ रहल छे, एकर मतलब रोग लग गेले है ना। की करिए भैया, जानकारी। चलिए एकरा बारे में हम अपने के विस्तृत जानकारी दे रहल छे। चलिए चलिए, इस खेत को देखिए, बैठिए। दीदी, आप ई खेत में लावे के मकसद बुझलिए? नहीं भैया, नहीं बुझलिए। अपने के खेत और ई खेत में कुछ अंतर अपने के बुझबे छे? हमरा तो भैया कुछ पते नहीं छे, ऊ खेत ई खेत। अपने के खेत में बीमारी लगना शुरुए भेले है ना, लेकिन ई खेत पूरा रोग ग्रस्त हो चुकले है ना। अगर अपने खेत के ठीक ढंग से रोग प्रबंधन और कीट प्रबंधन नहीं करवे तो अपने के खेत के भी यह हाल हो जेते। बताइयो ना भैया, की करवे अब हम? ठीक छे दीदी, तब अपने के हम समझावे छिए। ई पौधा के देखे छिए? हाँ भैया देखे। एकरा में तना छेदक बीमारी भए गेले हन। तना छेदक रोग जे होइ छे एक कीट के कारण होइ छे। ई कर ई पौधा के डंठल के अंदर वो कीट जे होइ छे छेद कर के अंदर प्रवेश किया जाय छे। देखे समझे छिए? हाँ भैया समझे। वो बीच से तना के काट दे छे। काट देला के बाद ई गब्भा देखे छिए? गब्भा ई पूरा सूख गेले। इहो ई सब एकरा देखिए, एकरा अंदर जरूर कीट होते। वो कीट छेद करके अंदर प्रवेश और हे ई पौधा के देखिए, ई पौधा का एकरा जड़ के देखे छिए सफेद भए गेले। हाँ भैया देखे। ई सफेद जे होले फुंद के कारण होले, एकरा में फुंदी बीमारी भए गेले। ई फुफुंदी के प्रबंधन अगर ठीक से नहीं करबे ना तो ई सीधे पूरा के पूरा पौधा सूख जेते। देखे छिए? हाँ भैया देखे। ई रोग जे लगे छे दीदी उ सब कीट के वजह से ही लगे छे। खेत में कई तरह के कीट पाल जाए छे जेकर कारण तरह तरह के रोग होय छे। भैया कौन कौन कीड़ा लग गेल छे? हमरा तो मालूम नहीं छे कीड़ा के बारे में, अपने हमरा बता दियो। एगो कीट होय छे तना छेदक कीट, ओकरा पंख पर काला रंग के धब्बा होय छे, ओकरे से पहचानल जाय छे कि ई तना छेदक कीट छिके। ई कीट जे होय छे पौधा के कोई भी अवस्था में वो पौधा के छेद कर के ओकरा अंदर घुस जाय छे और ओकर गब्भे काट दे छे। गब्भा के काटला से पौधा के अगला भाग सूख जाय छे। खास कर के जै समय में बाली निकले छे धान के बाली, ओहि समय में अगर ई गब्भा में छेद करके घुस गेले काट देलके तो ओहि अवस्था में पूरा बाली सफेद हो जाय छे, पूरा धान खखरा। हाँ भैया, ई कीड़ा कौन महीना में लगे छले? ई कीट के प्रकोप जुलाई से नवंबर माह में तक बहुत ज्यादा होय छे। खास करके ओकर लार्वा जे छे उ प्रारंभ अवस्था धान के प्रारंभिक अवस्था में ज्यादा ई फसल के प्रभावित करे छे और रोग ग्रस्त करे छे। दोसर कीड़ा होय छे गंधी कीड़ा, जेकर आकार तिकोना होय छे, ओकरा से एक विशेष प्रकार के गंध भी निकले छे जे कि खास करके बाली जब निकले लगे छे, बाली में दूध भरे लगे छे, ओ समय में ई कीड़ा के ज्यादा प्रकोप होय छे।
ई कीड़ा के प्रभाव से जानै छियै ओ पूरा गभ्भे सूखि जाइ छै, धान के बाली पूरा सफेद होइ। दोसर ओ धान अगर खुदा खास ओकरा में बचलै तो धब्बादार काला रंग के धब्बा देखे हेबै, काला रंग के धब्बा पड़ि जाइ छै, चावल काला रंग के हो जाइ छै। ई सब प्रभाव छिकै वह गंधी कीट के। एगो और बीमारी होइ छै ओ जीवाणु जनित रोग होइ छै जे पत्ता में लगै छै, ओकर रोग के कारण पत्ता मुरझा जाइ छै, पौधा के वृद्धि रुकि जाइ छै। भैया धान में ई रोग केना होइ छै? ई रोग अधिक गर्मी पड़ला से और अधिक नमी रहला से, दोसर अधिक वर्षा होलै, वर्षा के पानी खेत में जब लग जाए छे, तो ई रोग के प्रकोप ज्यादा होइ छे। ठीक छे भैया, हमे समझ गेली। एगो और रोग होइ छे जकरा कहै छे ब्लास्ट या सीद रोग। उ रोग के लक्षण छिके पत्ता पर सफेद रंग के धब्बा धब्बा हो जाए छे, जेना घाव अपना आर के नहीं होइ छे, नहीं घाव के तरह पूरा पत्ता सफेद सफेद हो जाए छे और अंत में पूरा पत्ता सफेद हो जाए छे। अपने तो ई सब बतेलिए, अपने का बहुत धन्यवाद। ठीक है दीदी, तो एक बात जरूर ख्याल रखबे, कुछ मुख्य बिंदु मैंने पौधा के देख रेख के लिए कुछ मुख्य बिंदु छे। पहला बीज के शोधन, दोसर समय पर पौधा के रोपाई, तेसर 8-8 दिन पर खेत के देखभाल, चौथा अगर 20 कल्ला में 10 कीड़ा से ज़्यादा दिखाई पड़े तो ओकर तुरंत उपचार कर लेना चाहिए। ठीक छे भैया, अपने बहुत टाइम दे के अपने बतेलिए, एहि लैके हमरा तरफ से पढ़लो। ठीक छे, नमस्ते दीदी।